वाले उसको नेतृत्व प्रदान करें या हम उसके नेता बने। साथियों, मैं आपको साफ साफ शब्दों में कहना चाहता हूं, भाई जो किसान आंदोलन का जो नेतृत्व कर चुके साथी हैं उनसे मेरा सुझाव भी है, निवेदन भी है, वह अपने आप को बैक साइड में रखें। जिन इलाकों में किसान आंदोलन नहीं था, नारनौल के अंदर, रिवाड़ी के अंदर, महेंद्रगढ़ के अंदर, बिहार के अंदर, तमिलनाडु के अंदर, उन इलाकों में आंदोलन उठा है। और हमारा दायित्व बनता है जब आंदोलन सही तरीके से चल रहा है, नेतृत्व में हस्तक्षेप न करके उसके बैक साइड से उसकी सपोर्ट हम करें, हमारी मंशा यह है। दूसरी बात मेरी तरफ से सुझाव, क्योंकि ये खुला मंच है, यहाँ केवल सुझाव मांगे जा रहे हैं। आंदोलन के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। ये जो तीन चार दिन का आंदोलन होया, इस आंदोलन ने सरकार को तीन चार दिन में तीन चार बार पीछे धकेला है। धकेला कि नहीं धकेला, तीन संशोधन कर दिए सरकार ने इस कानून के अंदर। दो साल एज बढ़ा दी एक दिन का आंदोलन में, दूसरे दिन का आंदोलन में 10% आरक्षण दे दिया, तीसरे दिन का आरक्षण में 4/4 के बालक भाई पक्के कर देंगे, कर्जा देवांगे फ्री में, पढ़ाई का ऑप्शन कह दिया, वह बी एमए भी साथ साथ में कर सका हूँ। साथियों, दो नजरिए होते हैं किसी चीज को देखने के। एक नजरिया तो ये है, जो रास्ता हमने चुन रखा था उसमें सालों लगे सरकार ने दिखाने में, और एक नजरिया यो है तीन दिन में सरकार उल्टी है चली है। मैं एक बात साफ शब्दों में कहना चाहता हूं, जो युवा साथी इस आंदोलन में शामिल हैं, भाई रॉयल बस और जो भी सड़कों के ऊपर जितनी सरकारी संपत्ति है, रेल में हमने भी चढ़ना, हमारे माँ बाप ने भी चढ़ना, बसा में हमने भी चढ़ना, हमारे माँ बापा ने भी चढ़ना, लेकिन मैं आपका ध्यान इस हिंदुस्तान के अंदर बीजेपी पार्टी ने जो पिछले कई सालों से हिंदुस्तान के लोगों का खून चूस के आलिशान महल बना रखे हैं, जो जिनको बीजेपी कार्यालय कहा जा रहा है, आपके जींद में भी एक कार्यालय है ना, है कि नहीं है? उस माफी ने बैठना आगे बीजेपी कार्यालय में बैठना गया आपने कदे? एक बार आना बता दो, मारे माँ बापा ने उनमें यात्रा करनी है गे? कोई नहीं करनी ना। साथियों, मैं हिंसा का कतई विरोधी हूं, लेकिन जब तक नस को नहीं दबोगे ना, जब तक लड़ाई सीधी नहीं लड़ोगे, लड़ाई तो बीजेपी के लवल टोल पाट करो कह रहे थे भाई, लड़ाई राम फल गेला रणबीर का रास्ता रोक लो, के मतलब है इस बात का? अगर आपने सही दिशा में इस लड़ाई को ले जाना है, युवाओं की भावनाओं के अनुरूप आपको चलना होगा, और बीजेपी के कार्यालय जितने भी जलावायज कार्यालय हैं उन कार्यालयों में बैठना होगा। दिन में एसी चला के आराम करांगे, रात में खाना खा के घर चले जावांगे, सुबह आके फिर बैठ जावांगे, 5-7 दिन का अल्टीमेट दे देंगे, जय जलावायज जो हम बीजेपी के कार्यालय में बैठे हैं उस तक मान जाए तो ठीक है, नहीं तो भाई इन बीजेपी कार्यालय की एक आधी ईंट काट के नू भी देखांगे, इन देश की संपदा नीचे भी दबाई पा सके धार रहे हो भाई। साथियों, हमारे बुजुर्ग कंधे आए हैं और हम सुन दे आए हैं, भले भय का अगर तो भूत भी नाच है, क्या करते प्रधान जी? और विद्वानों ने भी कहा है, भय बिन प्रीत नहीं। ये ऐसे घटिया लोग सत्ता के ऊपर बैठ गए हैं, इनको एक तरफ से तो हमने एक लाइन पकड़नी पड़ेगी आंदोलन की, जो प्रेरणा हमने किसान आंदोलन से ली है, एक लाइन तो वो पकड़नी पड़ेगी, और एक लाइन ये भी पकड़नी पड़ेगी जो प्रेरणा हमने इन युवाओं से ली है, उसको युवाओं को सही पथ पे ला करके सही जगह के ऊपर ले जाकर हमने बैठाना पड़ेगा। अगर आप लोग सही जगह निशाना लगा पाए, मैं आपको गारंटी देता हूं इस जींद की धर्मशाला से, 3 दिन ये सरकार नहीं पकड़ेगी, योगनी पथ जो योजना है इसको वापस ले लेगी 3 दिन। कल भी मेरी बात हो रही थी एक बड़े कमांडेंट से,
आज भी वो हाल में भी नौकरी के ऊपर है, उसका भी यही कहना था कि बीजेपी को सीधा टारगेट बनाओ, बीजेपी पार्टी को सीधा टारगेट बनाओ। ये जो कार्यालय बना रखे हैं, ये मोदी के बाप ने कमा के बना रखे हैं, अमित शाह के बाप ने बना के कमा रखे हैं? किसकी कमाई है बताइए, एक बार रुका मार दो। जनता की कमाई से पैसा है हमारा, खून चूस रहा कहना है। 1400 करोड़ में दिल्ली में एक कार्यालय के ऊपर 1400 करोड़ रुपये ला रखे हैं। जो नीति अंग्रेजों ने बनाई थी, अंग्रेजों की आज तक इमारतें नू की नू है, देख लो सारी की सारी दिल्ली, वही नीति इन्हों बना रखी है, ये कार्यालय बना रखे हैं। मेरा सुझाव ये है, अगर आप लोग कोई फैसला लो तो पहला फैसला यो लियो, क्या तो दिल्ली वाला कार्यालय का नहीं चलियो, और कई ये कार्यालय जिंदम जींद मारसी है, हिसार में भी है, सेक्टर 14 का दौरा है, सारा नाम देखेंगे, जींद वाला नाम देखियो, और सारे बालक आराम करेंगे सारी उम्र। देखो बोर हो जाए हिंदुस्तान, ये रोड रोक दिया, टोल रोक दिए, हिंदुस्तान की तासीर ऐसी है, जनता बोर हो जाए उनका मत, बार बार किसी काम नहीं करो ना, बार बार मैं एक चुटकुला सुनाऊंगा तो हंस नहीं सकते तुम, इब नया काम करो, टोला ने छोड़ो, DC SP ने भी छोड़ो, जिसका गिल लड़ाई है उस लड़ाई ने पकड़ो। आपकी मांग को कोई दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकता, और मैं अपनी तरफ से मेरे भाई युवा साथियों से निवेदन करना चाहता हूँ, कोई बस ना तोड़ो, कोई रेल ना तोड़ो, ये सारी अपनी संपत्ति है, बीजेपी का मारेंगे मजबूती से मारेंगे, पीछे रह के आपके साथ में दिन रात आपके साथ मेहनत करेंगे। जय जवान, एक बार नारे तो ला दो, नारे को लागे हैं, जय जवान जय जवान जय जवान। आधे आदमी बात था, आधे भी फर्क मरेंगे, मार दे रुके एक बार।